हाँ हम लोग जो है ना पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहेंगे, अपने इंटेलेक्चुअल ढालना चाहेंगे, और जिहादी फोर्सेस चाहे किसी भी धर्म की हो, इंक्लूडिंग हिंदुओं की, ये जिहादी फोर्सेस से काम नहीं चलेगा। हमें जिहादी फोर्सेस दोनों तरह की मानना होगी, और जिहादी फोर्सेस फोर्सेस को सामना करने के लिए लीगली और एडवोकेट रिस्पॉन्स ग्राउंड पे तैयार करना पड़ेगा। पुलिस के सहारे भी नहीं रहना होगा, हमें ऊर्जा केंद्रों में से ऊर्जा वॉलंटियर बनाना पड़ेंगे, जिनको हमें ट्रेनिंग करना पड़ेगी, जिनको हमें जरूरत हुआ तो आर्म करना पड़ेगा, और कानून में व्यवस्था करना पड़ेगी कि वो जो है ना पुलिस के रिस्पॉन्स को जो है ना सप्लीमेंट करें, और जहां पुलिस रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार नहीं है वो इकलौते ढंग से जो है ना रिस्पॉन्स भी दें, और उनको उसके लिए इनाम भी मिले, रेवेन्यू स्ट्रीम भी। अच्छा सर, एक मिनट, मेरा जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोग्राम आपका किया है कार्यक्रम, वो किस ढंग का है? वो बेसिकली वो करोना वरोना इन सब लोगों ने जिन्होंने अच्छा काम किया उनको जो है वो रिवार्ड दे रहे हैं, और उसमें कहाँ हमें कहाँ पर है ये? एक किसी होटल में रखा है उन्होंने। अच्छा, तो अगर हम लोग भी शामिल नहीं हो सकते वहां पर? आप शामिल हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं? आप बिल्कुल शामिल होइए, मैं उनको बता नहीं, दूंगा कि आप। उनसे उनसे कह दीजिए कि अगर वो शामिल करेंगे तो हम एक डीडी न्यूज के प्रेस रिपोर्टर को भी ले जाएंगे, उनको भी सम्मानित कर दें, वो तो खबर भी छप जाएगी डीडी न्यूज में। अब ये बात मैं उनसे कर लूंगा, हाँ, क्योंकि ये बात उनसे कर लूंगा, क्योंकि हाँ, वो खुद मीडिया चैनल वाले हैं तो उनका तो चल ही रहा है, अच्छा लेकिन हाँ, उसमें और भी आ तब जाए तो कोई बुराई नहीं है मेरे नहीं ख्याल नहीं में। जब अगर चल रहा है तो हाँ, बात तो सही है। अगर वो चाहते हैं डीडी न्यूज का कवरेज, हाँ। तो उसका भी भेज, क्योंकि उनको भी सम्मानित कर देंगे। अभी एजी ऑफिस में कार्यक्रम था परसों, तो हम बात हुई तो हमने भेजा उनको, गए थे अभी, उनसे बात हुई, हमने बताया उनको कि आप आ रहे हैं, तो हमने बताया कि वो 2 दिन रहेंगे। नहीं देखो, इसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जिन लोगों को आप उचित चाहते हैं, किसी भी छोटी जगह में, वहीं पे लॉबी में, होटल में, बाहर स्कूल में, कहीं पे भी हम लोग जो है रुकें, और 15 मिनट का, आधा घंटे का प्रोग्राम करें, लोगों को ऊर्जाकृत करें। एक नहीं, एक कार्यक्रम जो जिससे कल बात कराया, वो बोले कि हम नारी बारी में करवा देंगे। नारी बारी शहर से लगभग 35-40 किलोमीटर है। हमने कहा नहीं, इतनी दूर के लिए हम उनको नहीं इनवाइट करेंगे, क्योंकि समय बहुत व्यस्त रहता है। हाँ, मेरे ख्याल से जो है ना नारीवाड़ी के जो लोग हैं वो बस में बैठ के यहाँ पे आ जाएं, और कुछ लोगों को, लोकल लोगों को और भी जो ना कर लिया जाए, नहीं क्योंकि मैंने देखिए उनसे कह नहीं उनसे मैंने कह दिया कि आप इतनी दूर ना बुलाइए, आप वहीं शहर में ही कार्यक्रम रखिए, तो असंभव है चाहे जहाँ। हाँ, और उसमें बाकी लोगों को भी बुला लीजिए। देखो सवाल ये है कि यदि हम नहीं जागे तो साहू जी आप जो भी संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, उस समय पाकिस्तान में जो हिंदू थे उनके पास बहुत संपत्ति थी, सबसे ज्यादा धनी तो वही हिंदू ही थे वहां पे, राइट? कश्मीर में भी जो है ज्यादा धनी जो है वो धनी भी थे, विद्वान भी थे, शिक्षित भी थे, कश्मीरी पंडित ही थे, तो उनको तो बूचर करके वहां से, उनकी महिलाओं का रेप करके भगा दिया गया है। यदि हम नहीं चेते तो ऐसे ढेर सारे कश्मीर भारत के विभिन्न हिस्सों में डेवलप हो गए हैं, और इन राजनेताओं के सहारे नहीं रहा जा सकता है। ये दुष्ट लोग हैं, ये जो है आपके ऊपर अपराधियों को थोपेंगे। मैं ये बात कह रहा हूं, योगी और मोदी को लज्जा और शर्म आना चाहिए कि उन्होंने 205 क्रिमिनल्स जो है इस आबादी के ऊपर, इस उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर थोप दिए, कि लोगों ने उन व्यक्तियों को वोट नहीं दिया, उन्होंने योगी मोदी और जो बीजेपी को वोट दिया है। मैं अखिलेश यादव की दुष्टता समझता हूं, क्योंकि वो तो देवदोष दुष्ट ही है, वो तो अपराधियों के साथ ही लड़ रहा था, वो तो अपराधियों को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, बट बीजेपी ने क्यों दिया? आज जो है ना हमें लज्जा आना चाहिए कि 403 लोगों के हाउस में 205 क्रिमिनल होंगे। कब आएगी हमें लज्जा, कब और आएगी हमें लज्जा, ये बताइए ना। आधे बीजेपी के हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उन्होंने क्यों दिया, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यदि उन्हें लग रहा है कि 100% सपा वाले क्रिमिनल्स ही हैं, एक मिनट के लिए मान भी लेते हैं, तो उन्होंने वो कानून क्यों नहीं बनाया जो सुप्रीम कोर्ट भी और PIL सभी कह रहे थे साहब एक कानून बना दीजिए। इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षर भी होना चाहिए, साक्षरित भी होना चाहिए, इस देश में कानून का निर्माता बनने के लिए अनपढ़, गमार और साले अपराधी क्यों होना चाहिए? अभी आपने देखा होगा कब जो है कि योगी और मोदी को शर्म आएगी? सब बिल्कुल दुष्ट हैं, सब बिल्कुल असुर हैं। बिल्कुल एकदम राइट आपने कहा।
तो हम ये कह रहे हैं कि इनके लिए इनके जिहादी, आप ये बताइए जो हिंदू जिहादीज दिखते हैं वो कौन, उनको देख के कौन सा जो है ना बड़ा अच्छा सा जो है ना फीलिंग आती है? वो मुझे आधे क्रिमिनल्स दिखते हैं बिल्कुल। वो जो है ना रोड पे जो है मैसेकर कराएंगे, और मैसेकर जब आपका हो जाएगा तो नेता बन जाएंगे, एमएलए बन जाएंगे, एमपी बन जाएंगे, वो मंत्री बन जाएंगे, ये उनका प्लान है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप ये बताइए उनके चेहरे देख के देखिए कि साला वो इनको हमारा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए ना, नहीं। तो फिर ये दुष्ट लोग जिन्होंने हमारे ऊपर थोपे हैं वो अपने आप को देवी शक्ति बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, वो निश्चित तौर पे आसुरी शक्ति है और दुष्ट शक्ति है, और वो सिर्फ उनका काम जो है ना सत्ता में स्थापित करना है। ये मैं तब कह रहा हूं जब मैंने योगी जी का खुद प्रचार किया है, मैंने ढेर सारे वीडियो में ओपनली जो है ना योगी जी को सपोर्ट किया है, लेकिन योगी जी ने मेरे विश्वास के साथ भी धोखा दिया है। बिल्कुल किया है, और केंद्र सरकार भी कर रही है। तो इसका मतलब है ये आसुरी शक्तियां हैं, हमें ऊर्जा केंद्रों के माध्यम से ग्राउंड पर एडोकेट रिस्पॉन्स, कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स पैदा करना चाहिए, हमें अपने ऊर्जा केंद्रों को ट्रेनिंग देना चाहिए, उनको आर्म्स देना चाहिए, और उनको जो है वो टेक्नोलॉजी देना चाहिए जिससे कि वो सब चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, और इन इवन 2022 से 2024 के बीच में भी इन आसुरी शक्तियों को कुछ गलत नहीं करने देंगे, और 2024 के बाद तो इन आसुरी शक्तियों को इन्हीं के गेम में हराएंगे, इनकी अधिकांशों की जमानतें जब्त होंगी। जब तक हम ये नहीं करेंगे ये आसुरी शक्तियां हमारे साथ ऐसे ही धोखा करती रहेंगी। आप ये बताइए डीमोनेटाइजेशन भी आपके साथ धोखा है? बिल्कुल है, ये धोखा है। आप जो है ना साइबर क्राइम फ्री भारत क्यों पैदा नहीं कर देते हैं? हम कह रहे हैं ये 3 महीने में संभव है, क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? आप पेपर करेंसी मुक्त भारत क्यों नहीं ला रहे हैं? ये जो पोर्नोग्राफिक साइट्स वगैरह हैं इनको जो है ना प्रोएक्टिवली खोज के इन दुष्टों को जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? जो जिहादी मटेरियल फैला रहे हैं उनको प्रोएक्टिवली खोज के सिर्फ जिहादी मटेरियल फैलाने के लिए उनको जेल में क्यों नहीं डाल रहे हैं? यदि ये ड्यूएबल है, यदि उनको लगता है कि ड्यूएबल नहीं है तो मैथिली चरण गुप्त से बात करें। अभी कल सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा नहीं कि भाई लोकसभा राज्यसभा किस लिए, सारा काम हम ही करेंगे, उनसे भी कानून बनाइए। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारी माननीय जुडिशरी का जो है ना जन्म इन दुष्ट राजनेताओं की कृपा से क्यों होना चाहिए? मैं तो मुझे तो इसमें भी बिल्कुल मैं इसलिए कॉलेजियम का मैं विरोध करता हूं। नहीं, कॉलेजियम का भी विरोध करते हैं, और शुरू में जो 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 पहली अनुशंसा जो होती है जो कि मुख्यमंत्री की होती है जिसमें पैनल बन के जाती है, इनका जन्म जो है उस मुख्यमंत्री की कृपा पे क्यों होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये तो दुष्टता है ना। आप ये बताइए आपके प्रधानमंत्री और मंत्रियों को पार्लियामेंट में वोट देने का हक क्यों होना चाहिए? इट इज ए डॉल्टी हो गई है। पार्लियामेंट में एग्जीक्यूटिव अलग होना चाहिए और लेजिस्लेचर अलग होना चाहिए। एग्जीक्यूटिव बैठेंगे लेकिन जवाब देने के लिए बैठेंगे ड्राफ्ट एक्ट लाने के लिए, वोट देने का अधिकार उनको नहीं होगा। कोई भी एक्ट जो है वो टोटल में नहीं आएगा, उसके एक एक जो है ना सेक्शन को प्रत्यक्ष से पारित हो किया जाएगा जिससे हर सेक्शन पर बहस हो। ये व्यवस्थाएं ये बिल कभी नहीं लाएंगे। नहीं, ये बताइए जब 19 घंटे में 21 अपराध जो है सॉरी 19 घंटे में 21 एक्ट पारित हो रहे हैं और कोई बहस नहीं हो रही है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, तो ये कानून कौन बना रहा है? क्या ये बिना अकल के बिना सोच के राजनेता बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेसी तो बना नहीं रही है, तो वो फोर्सेस कौन है जो ये नियम कानून बना रहे हैं, और ये नियम कानून जो है ना बहुत अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे? अन्ना हजारे जी ने कहा कि लोकपाल आ जाएगा तो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा, उस लोकपाल का जो है ना लोगों को 3 साल में नाम भी मालूम नहीं पड़ पाया है। आप जो है ना इस दुष्टता से कैसे वो करेंगे? तो इसमें जो है एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। जितनी भी जो है ना इस तरीके की पदस्थापनाएं हैं उसमें एग्जीक्यूटिव का रोल जीरो करना पड़ेगा। वो इंडिपेंडेंट स्तंभ होना चाहिए और उनकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। यदि वो अपना काम नहीं करेंगे तो उनको जेल जाने की व्यवस्था करिए। लॉर्ड कोई नहीं होगा, ना पुलिस लॉर्ड होगी, ना ब्यूरोक्रेसी लॉर्ड होगी, ना जुडिशरी लॉर्ड होगी। जुडिशरी इज परफॉर्मिंग जुडिशियल फंक्शन, न्याय देने का। यदि तथ्यों के होने के बावजूद भी वो जानबूझ के गलत निर्णय लेते हैं तो उन्हें कंपेंसेशन भी देना होगा, एंड दे हैव टू रिलिंक्विश देयर रोल एज ए जुडिशरी। दैट शुड बी मेड ए डिस्क्वालिफिकेशन। ये हंसना और गाल फुलाना बहुत हो गया है कि वो उनके ऊपर करें। अरे सभी इंडिपेंडेंट स्तंभ होना चाहिए, और ये अच्छी व्यवस्था ये लोग लाएंगे ही नहीं, सोचेंगे ही नहीं। क्यों लाएंगे? इनके पास ज्ञान ही नहीं है।
नहीं नहीं मत है दोनों नहीं बात में। ज्ञान भी होगा तो दुष्टता है ना, आसुरी शक्ति है ना। तो इनको राजनीति करने से मतलब है शासन करने से, भाई समझ। ये विदेशों में जो है जो राजनीति करता है वो साथ में अपना व्यवसाय भी करता है। राजनीति अपने आप में व्यवसाय नहीं होना चाहिए। ये दुष्ट हो भारत गई है अकेला है अब तो जिसमें राजनीति राजनेता व्यवसाय जो है ना केवल राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं। सर और धर्म ये और दुष्ट राजनीति दोनों दुष्ट एक साथ। भारत ही है जहां राजनेताओं के नेता साले बिना जो है ना ड्रिल के सीधे जो है ना बड़े पदों में पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते हैं। ये दुष्टता है। बिल्कुल अरे राज्यपाल बन रहे हैं आप देखिए ना, अंगूठा छाप आदमी कक्षा 8 पास है, इंटर पास है, नेतागिरी कर राज्यपाल बन रहा है, उस महामहिम का पद ले रहा है, कौन सा ज्ञान है उसके पास। तो मैं ये कह रहा हूं ये राजनीतिक दुष्टता है। ये राजनीतिक दुष्टता पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून से बनाई जा सकती है, रोड पर चिल्लाने से नहीं बनेगी। हमें लोगों बिल्कुल को ऊर्जाकृत करके वो नियम कानून के ड्राफ्ट 2024 के पहले बना के प्राइवेट बिल के बतौर पार्लियामेंट में पेश करना चाहिए। और फिर 2024 में यदि ये सब चीजें नहीं मान रहे हैं तो इन्हें हरा कर क्राइम फ्री भारत पॉलिटिकल पार्टी के रूप में अवतरित होकर इनको इन्हीं के गेम में जो है ना परास्त करेगी, वो भी बिना चुनाव प्रचार के, बिना कैनवासिंग के, बिल्कुल होगा सर जिसकी कैनवासिंग पब्लिक करी। तो फिर आप देखिए इसमें एक लीड करने का जो है ना काम एक को सौंप दीजिए। तो मैथिलीशरण गुप्त को यदि विश्वास हो रहा है तो उसको सौंपिए। हम टेक्नोलॉजी भी लाएंगे, नियम कानून ड्राफ्ट भी लाएंगे और महाक्रम योगियों को भी छांट के लाएंगे जो कि राजनेता नहीं होंगे। बिल्कुल होना चाहिए। एक आप ठीक एक अच्छा कर्मठ जो है हमारा जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है क्यों जो है इंडस्ट्रियल मिनिस्टर नहीं हो सकता है? होना चाहिए। बस केवल अपन ये ध्यान रखेंगे कि वो जो मिनिस्टर बनेगा वो तो सिर्फ प्रपोज कर सकता है, बाकी सब चीज तो लेजिस्लेचर में जो है ना क्लॉज बाय क्लॉज पास होंगे, तो वो कोई दुष्टता भी नहीं कर पाएगा। और यदि वो देश हित की कोई बात कर रहा है तो वो पूरी होना चाहिए। केसी साहू जी ऊर्जा केंद्र बनिए और ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित होइए। आप जो है ना अपना आप संकल्पित कर लिया है कि नहीं किया? मैं बिल्कुल ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि समाज कल्याण विश्व कल्याण के लिए मुझे जीवित रखे। नहीं, पहले तो आप क्राइम फ्री भारत के ऊर्जा केंद्र के रूप में अपने आप को संकल्पित करिए। संकल्प में जो है ना कितना समय देंगे वो संकल्पित करिए कि सर मैं 15 मिनट दूंगा, आधा घंटे दूंगा, 1 घंटे दूंगा। और फिर जो उसकी फिलॉसफी है कि एक कॉल आपको जो है ना आपके प्रभाव क्षेत्र के एनआरआई को करना है, एक कॉल दूरस्थ स्तर प्रवासी भारतीय रेजिडेंट इंडियन को करना है, और बचे हुए समय में फेस टू फेस संगोष्ठी करके जो हमारे ऊर्जा देने वाले ऑडियो वीडियो समझ में आते हैं उसको सुनाइए, संकल्प लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए और जिन जिन लोगों को आप ऊर्जा कृत करते जाते हैं उनको जोड़ते जाइए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। और अभी जो एक नई स्ट्रेटेजी हमने डाली है, अब जो है हम डीजी होमगार्ड सिविल डिफेंस के उस हिसाब से एक उनके ऐप के माध्यम से जो जितने भी लोग यदि कोई गड़बड़ हो रही है तो अब जो है हमारे ऊर्जा के केंद्र के लोग जो है जिनको हम ट्रेंड भी करेंगे और ट्रेंड करके दे विल बी एडिक्वेट रिस्पॉन्स, सत्ता को गड़बड़ी नहीं करने देंगे। अभी सर आपने देखा होगा कल भोपाल में के जिले में पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया है भाजपा विधायक के अरे खिलाफ। पत्रकार कौन से साले, वो भी जो है ना ऐसे नहीं दल्ले हैं साले दल्ले। वो देखिए बात देखो विदाउट नोइंग फैक्ट्स आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट एनीबडी, राइट? आई एम नॉट हियर टू गिव द रिएक्शन ऑन एवरीथिंग। जाके जो है ना गलत किया है पुलिस ने तो जो है ना जाइए उसमें जो है ना पुलिस को अकाउंटेबल करिए, पुलिस को जेल भेजिए। कहाँ अपने यहाँ व्यवस्था है इसमें? क्यों नहीं है व्यवस्था? हर कोई कोर्ट में जा सकता है। कोर्ट में जाना बस हो गया, वहां पर स्वीकार कर तो लिया तो गया, तो आरोप बस हो गया बैठे तो हैं। ऐसा ही होगा क्योंकि आपने यही ऐसी व्यवस्था पैदा की है। झेलिए ऐसी व्यवस्था को, ऐसे नेता को चुनोगे तो झेलिए ऐसी व्यवस्था को, झेलिए ऐसी पुलिस को। क्यों नहीं बदला आपने पुलिस को? 1800 जो है ना 61 के पुलिस एक्ट से आपकी पुलिस क्यों गवर्न हो रही है? ये दुष्ट नेता आपके जो है ना किसी भी सुधार के से इनकी रूहें क्यों कांप जाती है? और कमिश्नरी सिस्टम इसका इलाज नहीं है। कमिश्नरी सिस्टम में आप पुलिस के चरित्र को नहीं बदल रहे हैं, केवल पुलिस को ज्यादा पावर दे रहे हैं। पुलिस विल बी इफेक्टिव, लेकिन यदि वो दुष्ट नेताओं के चुंगल में रहेगी तो वो निगेटिवली आपको जो है ना रुइन कर देगी। तो उसका हमें अच्छी पुलिस चाहिए, अकाउंटेबल पुलिस चाहिए। यदि अपना काम नहीं करती तो उसे जेल भेजने की व्यवस्था होना चाहिए और उसको पूरी तरह से जो है ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से इंसुलेटेड होना चाहिए।
यदि डीजी अपना काम नहीं करता है तो डीजी के जेल जाने की व्यवस्था होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो फिर ये व्यवस्था ये दुष्ट लोग तो नहीं करेंगे ना, इन्होंने तो जो है ना इंस्ट्रूमेंट अपने आप को पावर में रखने के लिए बनाए हैं, उन्होंने तो दंगे कराने के लिए बनाए हैं। इनका तो चरित्र ये रहा है कि गांधी जी को मार के और अपने ही कांग्रेसियों के माध्यम से जो है ना ब्राह्मणों का मैसेकर कराया है इन्होंने। आपको मालूम है 50 ब्राह्मण और लगातार जो है ना पूरे महाराष्ट्र में जो है ब्राह्मणों को, विदर्भ में और महाराष्ट्र में पंडितों को और उनको मारा गया और कांग्रेसियों ने मारा, जैसा कि 1984 में किया था। हाँ, दंगे जो हुए उसको दंगा नहीं कहा जाता है। यदि जो है कांग्रेस के लोग जाके जो है ना हत्या करें, इसे दंगा कहते हैं। शर्म आना चाहिए, हम दंगा कहते हैं। हम साले इंटेलेक्चुअल्स कभी नहीं सुधरेंगे। यदि जो है कहीं से संदेश भेज के ये बात कराया जाए तो ये दंगा है या हत्याएं हैं, नरसंहार है। हमारी जो है ना इंटेलेक्चुअलता को क्या हो गया है, बुद्धिमत्ता को। हमें शर्म ही नहीं आती गलत शब्दों का उपयोग करते हुए। जो शब्द बने हैं सर, लोगों को जो मतलब समझ में आता है वो बोल देते हैं अपने ढंग से। नहीं नहीं तो नहीं बोलना है ना, हम उसको ना, हम उसको जैसे कश्मीरी पंडित बोलते हैं लोग, जब कश्मीरी हिंदू ही क्यों नहीं बोलते हैं, कश्मीरी पंडित क्यों करते हैं? क्योंकि वो वहां पे पंडित ही थे तो हिंदू पंडित तो हिंदू हुआ ना, तो कश्मीरी हिंदू बोले, हिंदू भाई बोले, तो वो भी किसी जात से क्यों उसका वो कर रहे हैं। मैंने चलिए चलिए मतलब मेरे ख्याल से वो इंटेंशन नहीं है और आपकी सलाह मानी जा सकती है कि कश्मीरी पंडितों की जगह हम कश्मीरी हिंदू वर्ड यूज करें, इसमें कोई बुराई नहीं है और मिड कोर्स करेक्शन हमेशा ही करते रहना चाहिए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जिनको आप बुद्धिजीवी मान रहे हैं, ये बुद्धिजीवी नहीं है, ये चंद टुकड़ों के बिकने वाले लोग हैं, जो चंद पैसों के लिए जो इनसे कहा जाता है ये आर्टिस्ट जैसा वैसा बोलते हैं, तोते जैसा वैसा बोलते हैं। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल। आपकी सही बात है, सारी सिस्टम जो है मेरे देश का खराब हो चुका है। तो उस सिस्टम को बदलने के लिए क्या ये नेता करेंगे, क्या सिस्टम को सुधारेंगे? इन्हें बड़ा बदलाव उन्होंने किया है। बिल्कुल, हम उसके लिए प्रयासरत हैं, आपके साथ चल रहे हैं किसी भी। तो आप मुझे बताइए कि आपने अपने आप को ऊर्जा केंद्र के रूप में संकल्पित कर लिया है, क्या आप हर दिन अपने प्रभाव क्षेत्र के एक एक जो है एनआरआई को, एक डिस्टेंट रेजिडेंट इंडियन को और बचे समय में जो है बाकी लोगों को ऊर्जा केंद्र की तरह जोड़ रहे हैं? क्या उनका व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं और संकल्पित लोगों को उनको जोड़ रहे हैं और उसी संकल्प के साथ साथ जिसको संकल्पित कर रहे हैं उसका व्हाट्सएप ग्रुप बन रहा है क्या? यदि ऐसा करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ पे पहुंच जाएंगे, 9 दिन में। बिल्कुल सर, हम जितना हमारे क्षेत्र के लोग जितना जानना समझना। देखो देखो देखो, संकल्प के हिसाब से कार्रवाई करो। यदि आपने 1 घंटे का संकल्प किया तो 1 घंटा दो, हम ज्यादा चाहते ही नहीं है। नहीं नहीं, हम तो 1 घंटे के लिए वैसे ज्यादा, सही बात है, सबको 1-1 घंटे ही पर्याप्त है सर। तो आपने क्या अपना ऊर्जा केंद्र बना लिया है? ऊर्जा केंद्र का व्हाट्सएप ग्रुप बन गया है क्या? आपने कितने लोगों को जोड़ लिया है हर दिन जो है ना जुड़ने वाले, और उसमें मुझे भी जोड़ दीजिए तो मुझे मालूम पड़ता रहेगा कितने लोग जुड़ गए हैं। ठीक है सर, मैं जोड़ दूंगा आपको भी। ठीक है ना, लेकिन आप बिना संकल्प के किसी को नहीं जोड़ोगे उसमें। ठीक है, आपने पहचानने वालों को नहीं जोड़ना है आपको, जिसको आप संकल्पित कर देंगे और उसी संकल्प के साथ उसका भी व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, राइट? क्योंकि उसको भी तो वही काम करना है ना। हाँ। तो यदि आप ऐसा करोगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 9 दिन में हम 100 करोड़ लोगों तक पहुंच जाएंगे, तब हम इनको व्यवस्थित भी कर पाएंगे, हम ड्राफ्ट कानून भी बना पाएंगे, हम टेक्नोलॉजी भी बना पाएंगे, और यदि ये दुष्ट नहीं मानेंगे तो 2024 में इनको नष्ट करते हुए, इनको पराजित करते हुए हम उनको रिप्लेस करेंगे। ठीक सर। और एक बात ये मान लीजिए, जिहादी किसी भी भेष में हो, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, रोड पर जो मरने वाला वो मानव होगा, मनुष्य होगा जी। तो ये जो है हिंदू जिहादियों को भी प्रमोट करने से ठीक नहीं होगा। हम जो है उसके लिए किसी भी तरीके के जिहादियों के लिए एडवोकेट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बनाए, जो कि अकेली पुलिस पे भी ना हो, पब्लिक वॉलंटियर्स के ऊपर भी उसमें रखे जाएं, उनको हम ट्रेन करेंगे, उनको हम आर्म्ड करेंगे और अपना काम करने के लिए टेक्नोलॉजी उनकी होगी और उसमें जो है ना हर चीज की वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सब कुछ एविडेंस भी होगा और उन्हें इन सब काम के लिए पैसा भी मिलेगा, मुफ्त में नहीं कराया जाएगा, राष्ट्रीयता के नाम पे नहीं कराया जाएगा। ठीक सर। क्योंकि देखो, somebody has to come with the total full solution। स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा, घृणा फैलाने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू कम आउट विद द सॉल्यूशन। हर मानव, इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन,
उसे पूरी तरह से प्रफुल्लित होने का, प्रस्फुटित होने का मौका मिलना चाहिए। और जो चीजें किसी भी धर्म में यदि वो मानव विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, तो उनको जो है नल एंड वॉइड किया जाए। धर्म में जो है ना, ये कौन सा तरीका है कि दूसरा धर्म वाला उसे गला काट दीजिए, इसे जो है ना स्पेसिफिकली ऑफेंस क्यों ना बनाया जाए? धर्म नहीं है सर, ये जिहाद है। चाहे वो तो जिहाद जो है इन्होंने अपने धर्म का हिस्सा बना लिया है ना। सभी हिंदुओं में भी जिहाद फैल गया है, तो हिंदू में जिहाद फैल गया है, तो जिहाद चाहे किसी में भी धर्म में हो, उस सबको इलीगल बनाया जाए, उसके लिए जो है ना उसे संज्ञेय अपराध बनाया जाए, उसे जो है ना कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ साथ नॉन अवेलेबल बनाया जाए, 25 साल की जो ना सजा की जाए, और यदि पुलिस उसका सीओ मोटो संज्ञान नहीं लेती है तो पुलिस वाले को सस्पेंड करके नौकरी से निकाला जाए। बिल्कुल। और उसकी जगह जो है क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर जिनको लीगली अपन आर्म करें, वो जाके वो काम करें जो पुलिस नहीं कर रही है। और उसके लिए उसको अभी कल बात हो रही थी, सीनियर पत्रकार भी टीवी पर बात कर रहे कि जो ईडी आज कर रही है कार्रवाई, अगर ईडी ने किसी के खिलाफ कार्रवाई किया है तो उसकी तो बदनामी हो गई, बाद में कोर्ट ने उसको फ्री कर दिया, तो जो कार्रवाई करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई, सबकी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और वो जिनको छोड़ रहे हैं उनके प्रति भी अकाउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, जस्ट मिनट। हाँ, तो दिस हैज टू बी डन इक्वली। इसमें आप डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, आप सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि हम चार लोगों के खिलाफ करेंगे, यदि 100 लोग हैं तो साले सब 100 के विरुद्ध जो ना वो होना चाहिए। दिस कैन नॉट बी यूज, जैसे कि ज्ञानी जल सिंह कहता था ना कि सीआईडी हमारे कुत्ते हैं, हम जिसके ऊपर चाहते हैं उसके ऊपर छोड़ सकते हैं। तो सीबीआई और ईडी और ये किसी के जो है ना पले हुए कुत्ते नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए सर। तो फिर व्यवस्था कैसे बदलोगे? ये दुष्ट आसवी शक्तियां ये व्यवस्था नहीं बदलेंगी। ऊर्जा केंद्र बनिए, संकल्पित करिए, हम जो है ना ग्राउंड पर एडिक्वेट रिस्पांस देंगे इवन 2022 से 2024 के बीच में। और इसके बाद तो यदि इन्होंने ये नियम कानून तो लाएंगे नहीं, क्योंकि ये दुष्ट लोग तो सुधरने वाले है नहीं, तो 2024 में इन्हें परास्त करने के लिए तैयार होइए, और वो भी बिना चुनाव प्रचार के। हम वो गेम नहीं खेलेंगे जो ये खेलते हैं। हम चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, हम कैनवासिंग नहीं करेंगे, हमारे ऊर्जा केंद्र अपने आप सबका चुनाव प्रचार कर देंगे। जब सभी ऊर्जा केंद्र ही वोटर होंगे तो जो है ना उन्हें किसी के प्रचार की भी जरूरत नहीं है, इतना ही पर्याप्त है कि वो क्राइम फ्री भारत का उम्मीदवार है। हम आप सर अच्छाई जो है भाप की तरह है, जो पानी में उड़ते हुए आसमान में जाके विलय हो जाती है। कहीं विलय नहीं होती है, क्योंकि हम दुष्ट हैं, हम जो है ना उस विलय होने के लिए ही करते हैं, क्योंकि हम उसे कॉन्क्रीट शेप देने के लिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। आप अपने आप को हार मान लेते हैं, क्योंकि हम हार कहाँ मान रहे हैं, हम तो लड़े जा रहे हैं, हम तो सिस्टम लाने की बात कर रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, कौन हार मान रहा है? हम तो इन आसुरी शक्तियों को परास्त करने की बात कर रहे हैं, कौन हार मान रहा है? करने के लिए हम आप सिर्फ अभिमन्यु हैं बस। नहीं तो वो आपको चलना फिर उसी तरह तो है, लड़ते तो हैं लेकिन अंत में मारे जाते हैं। नहीं, आप मर ही नहीं सकते हो, क्योंकि आपको जो है 100 करोड़ लोगों को यदि ट्रेन करके आपकी रक्षा के लिए तैयार किया जाएगा, यदि आप पुलिस पर डिपेंड नहीं होंगे तो आपको कौन मारेगा? दे विल बी ट्रेन पीपल, दे विल बी आर्म्ड पीपल, जिहादियों को साला भून के रख देंगे। नहीं सर, हम आप चक्रव्यूह में फंसा दिए जाते हैं। नहीं, हम आप चक्रव्यूह नहीं है, चक्रव्यूह मैं अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को तोड़ दूंगा। कहाँ तोड़ पाएंगे? अरे हम वो चक्रव्यूह को तोड़ने की बातें तो कर रहे हैं, वही तो ज्ञान दे रहे हैं कि चक्रव्यूह ऐसे टूटेगा। ठीक सर, आइए सर, उनको देख लीजिए फिर हम लोग। आप ये बताइए, जो हम जो बातें कर रहे हैं वो चक्रव्यूह के भेदन की बातें तो कर रहे हैं ना, इन दुष्टों को परास्त करने की बातें कर रहे हैं ना, और वो भी इनका गेम नहीं खेलेंगे, इनका गेम नहीं खेलेंगे, इनके तरीके से कैनवासिंग भी नहीं करेंगे, आम सभाएं भी नहीं करेंगे। क्यों करें आम सभाएं हम, यदि हमारे सब जो है ना ऊर्जा केंद्र ही लगे हुए हैं तो? फिर सही कहा आपने सर, हमें अपने गेम के रूल खुद बनाना होंगे, इनको परास्त करना पड़ेगा। जो ये करते आए हैं वो हम नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है, तभी तो हम इनसे बेहतर सोचने वाले कहलाएंगे ना। जी जी, देखो ये हमारे मोदी जी की दुष्टता है कि अपने भाजपाइयों को ये वेस्ट बंगाल में मरवा रहे हैं। क्या जो है नहीं मरवा, इसलिए उत्तेजना पैदा की गई कि जाओ लड़ो। तो नहीं, मेरा ये मेरा मेरा नहीं नहीं नहीं
देखिए जिस संविधान के माध्यम से ममता बनर्जी सत्ता में चढ़ी हुई हैं, उसी संविधान में लिखा है कि पुलिसिंग करना आपकी संवैधानिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि आप पुलिसिंग करके लोगों को, अपराधियों को पकड़ के उनको सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो आपकी एंट्री वन एंड टू दोनों की फेलवर है। 92 में तीन सरकारों को इसी बात पे गिराया गया था, तो अब जो है 2022 में ममता बनर्जी को गिराइए कि यदि वो जो है ना अपने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहे। ममता बनर्जी को गिराने से पहले वहां के जो राज्यपाल महोदय हैं बिल्कुल एकदम चपरासी आदमी रखा गया है। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर बैठे हुए लोगों के लिए सोवा के शब्द उपयोग करिए। मैं इस बात को कहता हूं कि उन्हें हर महीने रिपोर्ट भेजना चाहिए, वो मीडिया के सामने रोने की बजाय वो जो है ना अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं कहते हैं कि आर्टिकल 56 को एनफोर्स किया जाए। माननीय साहू जी आप ये बात समझ लीजिए कि ये संवाद करने से काम नहीं चलेगा, हमें व्यवस्था को जमीन पे उतारने का पूरा सिस्टम लाना होगा और वो कहीं के जिहादी नहीं होना चाहिए। हिंदू जिहादियों को आप देख लीजिए वो कौन से राक्षस से कम दिखते हैं, गुंडे दिखते हैं साले। यदि उनकी शिक्षा देखेंगे तो शिक्षा भी नहीं होगी उनमें। वही तो मैं कहता हूँ सर, लेकिन लोग सुनते कहाँ हैं? अब मैं कह रहा हूँ तो सुनेंगे। चलिए सर ठीक है, आप कहिए तो सुनने वाले आ जाए, अच्छी बात है। तो भैया आप जो है ना सुनने वाले नहीं है क्या? आप संकल्पित क्यों नहीं हो रहे हैं? अपने जुड़े हुए चार लोगों को जोड़ लीजिए ना, आपको दूसरों की चिंता मत करिए। वही सर, आप सबका अपना अपना तरीका है कहने का। नहीं नहीं नहीं, आपको हमने वही है। नहीं, सुनने का तरीका नहीं, संकल्पित होके उसे ऊर्जा केंद्र के माध्यम से प्रभाव क्षेत्र में बढ़ाएंगे, ये पूरी स्ट्रेटेजी है। तो आप जो है किसी भी जो प्रक्रिया का पूरा पालन नहीं करेंगे, अकेले सुनने से हम आप उसका हम उसको झंडा उखाड़ेंगे कि आपके सुनने का हमें उससे क्या लाभ होगा। हाँ ठीक है, अभी जस्ट जाओ। चलिए साहू जी, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।